हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का फिफ्थ राउंड शुरू करने वाले हैं। फिफ्थ राउंड यानी फिफ्थ चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। फोर लेसन्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं और अब फिफ्थ चैप्टर की बारी है। तो आज जो लेसन हम करने जा रहे हैं उसका नाम है मेनी मून्स। ठीक है, कई सारे मून्स इस तरह का एक नाम है। और इस लेसन में जो है, मैं आपको बता दूं कि देर आर अबाउट सिक्स कैरेक्टर्स इन दिस लेसन। एक होते हैं राजा, उनकी बेटी लेनोर, ठीक है, और एक होते हैं तीसरा चैम्बरलेन, फोर्थ है द रॉयल विज़र्ड, विज़र्ड कौन होता है, जादूगर, और फिफ्थ होते हैं एक रॉयल मैथमेटिशियन, ठीक है, और लास्ट में आते हैं एक जेस्टर। जेस्टर यानी कौन, एक क्लाउन, जोकर टाइप, जो अम्यूजमेंट करता है, लोगों को हंसाता है राजा के पैलेस में, ऐसा एक व्यक्ति है जेस्टर। ये छह लोग इस पूरे इसमें हैं, राइट, लेसन में कैरेक्टर्स हैं। और ये लेसन में क्या होता है कि एक बेटी होती है राजा की, जिसका नाम होता है लेनोर। और ये लेनोर है ना, एक बार बहुत बीमार हो जाती है और कहती है कि भाई आप मेरे को, राजा उनसे वादा करता है कि भाई आप जो चाहो मैं दे सकता हूँ, बस आप उठ के खड़े हो जाओ, ठीक हो जाओ। तो उसकी बेटी कहती है कि भाई आप कुछ भी दोगे? तो वो बोलता है हाँ हाँ कुछ भी जो मांगो वो हम दे देंगे। तो लेनोर जो है वो चांद मांगती है, मून एज अ गिफ्ट वो मांगती है। वो कहती है कि भाई अगर आप मेरे को मून दे दोगे तो मैं एकदम परफेक्टली ठीक हो जाऊंगी, ठीक है। तो राजा बहुत चिंतित होता है और राजा तुरंत जाता है और चैम्बरलेन को बुलाता है, ठीक है, और वो कहता है कि भाई मुझे किसी भी तरह से जो है आप मून लेके आके दो। तो चैम्बरलेन मना करता है, बोलता है कि है ना वो 35,000 किलोमीटर दूर है और वो मोल्टन कॉपर से बना हुआ है, तो वो हम नहीं लेके आ सकते हैं। फिर राजा जो है निराश होता है और उसका रॉयल विज़र्ड, विज़र्ड कौन होता है, जादूगर, रॉयल विज़र्ड को बुलाता है और विज़र्ड भी कहता है कि भाई वो बहुत दूर है, हम लेके नहीं आ सकते। फिर रॉयल मैथमेटिशियन को बुलाते हैं, रॉयल मैथमेटिशियन भी मना कर देता है। और लास्ट में जेस्टर, जो अम्यूजमेंट का काम करता है, जो वहाँ पे जो है एक क्लाउन, एक जोकर का काम करता है महाराजा के पैलेस में, उसको बुलाता है। तो और एक वो लास्ट में सक्सेसफुली जो है वो उनकी बेटी को है ना मून लेके आके देने में सक्षम रहता है, दे देता है, और वो लड़की जो है वो ठीक हो जाती है। तो हम ये लेसन पढ़ते हुए हम समझेंगे कि वो किस तरह से वो मून को लेके आके दिए हैं और उसकी, राजा की बेटी लेनोर जो है वो किस तरह से वो ठीक हो गए, हो जाते हैं, वो हम समझेंगे लेसन के दौरान। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। विल रीड द लेसन एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू। I'll try to explain to you what are the events that are happening in this particular chapter. Okay, once upon a time, a little lovely princess named Lenore lived in a kingdom. A kingdom mein lovely princess, jinka naam tha Lenore, wo rehti thi. She was 10 years old and going on 11. 10 saal poore ho chuke the, 11 chal raha tha unka, 11 saal. Okay, 11 years you can say. One day Lenore took an excessive number of raspberry tarts and fell ill. Excessive number of मतलब बहुत ज़्यादा raspberry tarts जो है, tarts यानी आप कह सकते हो कि एक केक जैसा छोटा सा, वो बहुत सारे खा लिए थे और फिर वो क्या हो गई, बीमार हो गई। I will get you anything your heart desires, the king said. जो तुम्हारा हार्ट कहता है, जो तुम्हारा मन कहता है, वो मैं तुम्हें लेके आके दे दूंगा। इज एनीथिंग यू वांट? यस सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा हाँ मुझे कुछ चीज़ कुछ चाहिए। आई वांट द मून। वो क्या डिमांड करती है? मून डिमांड करती है, इफ़ आई कैन हैव द मून आई विल बी वेल अगेन। ठीक है, अगर मुझे मून मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। देन द किंग वेंट ऑन द थ्रोन रूम एंड कॉल फॉर द लॉर्ड हाई चैम्बरलिन। ठीक है, लॉर्ड हाई चैम्बरलिन को बुलाते हैं किंग अपने थ्रोन के पास। ठीक है, और द लॉर्ड हाई चैम्बरलिन वॉज अ लार्ज फैट मैन हु वोर थिक ग्लासेस विच मेड हिज आईज सीम ट्वाइस एज बिग एज दे रियली वेयर। अगे दिस मेड हिम सीम ट्वाइस एज वाइज एज ही रियली वॉज।
ठीक है, लॉर्ड हाई चैम्बरलिन जो थे वो ग्लासेस पहनते थे, बहुत बड़े बड़े और थिक ग्लासेस थे, और वो ग्लासेस के अंदर से बाहर से अगर कोई देखता उनके आँखों की तरफ तो उनकी जो आँखें हैं वो डबल द साइज दिखते थे, जिसकी वजह से वो डबल बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज मैन जैसा वो दिखता था, प्रतीत होता था लोगों को। आई वॉन्ट द मेड, आई वॉन्ट द मून, सेड द किंग। प्रिंसेस लेनोर वॉन्ट्स द मून, इफ शी कैन हैव द मून शी विल गेट वेल्थ अगेन। ठीक है, द मून ओके, ये कहते हैं राजा। बोल राजा क्या कहते हैं, सीधा कुछ रिक्वेस्ट विक्वेस्ट नहीं करते राजा लोग, रिक्वेस्ट नहीं करते ना। राजा सिंपली कहता है कि भाई मुझे मून चाहिए, राइट। वे वॉज दैट किंग, द प्रिंसेस लेनोर, प्रिंसेस लेनोर जो है मून चाहते हैं, अगर उसके पास मून आ जाए तो शी विल बी वेल अगेन, फिर से वो ठीक हो सकती है। द मून, एक्सक्लेम द लॉर्ड हाई चैम्बरलिन, हिज आइज वाइडनिंग। ठीक है, उसके आँख जो है पूरे वो होते हैं, इम्पॉसिबल थिंग्स जब आप देखते हैं सुनते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। ओके, वाइड ओपनिंग, वाइडनिंग, दिस मेड हिम टू मच वरीड, बहुत वरी होने लग गए। यस द मून, सेड द किंग, MOON, मून गेट इट टू नाइट, टुमारो एट लीस्ट, एट द लेटेस्ट। ओके, जल्द से जल्द, कि ज़्यादा से ज़्यादा कल तक जो है वो आप लेके आ जाओ। द लॉर्ड हाई चैम्बरलिन वाइप्ड हिज फोरहेड विद अ हैंडकरचीफ एंड देन ब्लू हिज नोज लाउडली। ब्लू हिज नोज यानी नाक से नाक ब्लो करना, ठीक है ना, जोर से। आई हैव गॉट अ ग्रेट मैनी थिंग्स फॉर यू इन माई In my time, your majesty, he said. He pulled a long scroll of paper out of his pocket. Never mind, said the king. What I want now is the moon. Okay, when will you get it? तुम कब लेके आओगे? ठीक है, अब ये सुनते ही कि मून चाहिए, लॉर्ड चैम्बरलिन क्या कहते हैं, लॉर्ड चैम्बरलिन को लगता है कि यार ये मैं किस प्रकार से अभी इनको मून लेके आके दूंगा, वो इतना बड़ा है और वो उतना बड़ा को हम मैं कहाँ वहाँ तक पहुँचूँगा, और उसको मैं धरती पे किस तरह से लेके आऊँगा, वो इतना बड़ा है कि वो किस चीज़ से हम लेके आऊँगा, कोई भी सोचेगा, राइट। इसी प्रकार से उसने भी यही सोचा, और फिर वो कहते हैं कि भाई सर, हाथ जोड़ता हूँ मैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको, आपके लिए मेरे टाइम पे आपको दिए हैं, पर अब मून जो है वो थोड़ा मुश्किल है लेके आना। और अपने पॉकेट से एक स्क्रोल ऑफ पेपर, पेपर का स्क्रोल ऑफ पेपर निकालते हैं और वो तो बताते हैं, देखिए इतने सारे चीज़ें मैंने आपके लिए पहले किए हैं। तो किंग कहता है कोई बात नहीं, पहले जो था वो था, पर अभी जो है मुझे क्या चाहिए, मून चाहिए। When will you get it? कब तक तुम मुझे मून लेके आके दोगे? The moon, said the Lord High Chamberlain, the moon is 35,000 miles away and it is bigger than the room the princess lies in. It is made of molten copper. वो कहते हैं कि molten copper से बना हुआ है, 35,000 किलोमीटर दूर है, और वो जो रूम है प्रिंसेस का उससे कई गुना बड़ा है और वो molten copper का बना हुआ है। Cannot get the moon for you. द किंग ओके, वो कहता है कि मैं मून नहीं ला सकता, एकदम सिंपल, ये इम्पॉसिबल चीज़ है मून को लेके आना धरती पे, पर मैं धरती पे वो मून को लेके नहीं आ सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, द किंग वॉज एंग्री एंड टोल्ड द लॉर्ड हाई चैम्बरलेन टू लीव द रूम एंड सेंड द रॉयल विजर्ड टू द थ्रोन रूम। ठीक है, किंग गॉट वेरी एंग्री, ही वॉज वेरी एंग्री एंड He was furious, very angry, other words में हम बोल सकते हैं, he was furious and he call upon royal wizard, बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ और मुझे royal wizard को भेजो हमारे यहाँ पे राजगद्दी के पास। ठीक है, the royal wizard was a little thin man with a long face, wizard जो था वो थिन था, मतलब पतला व्यक्ति था, और वो उसका फेस जो था वो बहुत ही लॉन्ग था। He wore a light red peaked hat covered with silver stars and a long blue robe covered with golden owls. ठीक है, इस तरह का एक ड्रेस उसने पहना हुआ था। कैसा था वो? रेड पीक्ड हैट, हैट एक रेड कलर का था, सिल्वर स्टार्स थे उसके ऊपर, एंड लॉन्ग ब्लू रोब। ठीक है, रोब यानी रात को जो पहनते हैं ना रोब, उस तरह का, कवर्ड विद गोल्डन आउल्स, गोल्डन आउल्स जो है उसके ऊपर बने हुए थे। हिज फेस ग्रू वेरी पेल व्हेन द किंग टोल्ड हिम हिज डॉटर्स डिज़ायर। ठीक है, उसका जो फेस था
वो बहुत ही पेल हो गया। पेल यानी वो पीला पड़ जाना, या तो वो थोड़ा सा क्या है, चिंतित हो जाना। ठीक है, आई कैन डू मैनी मैजिक्स फॉर यू बट द मून इज़ टू फार। ओके, इस तरह से वो बोलता है रॉयल विजर्ड, मैं आपके लिए बहुत सारे जादू कर सकता हूँ पर मून जो है वो बहुत ही दूर है। नोबडी कैन गेट द मून, से द रॉयल विजर्ड, इट इज़ 150,000 miles अवे एंड इट इज़ मेड ऑफ ग्रीन चीज़। ठीक है, पहले वो जो था लॉर्ड चैम्बरलिन, वो कह रहा था कि वो 35,000 किलोमीटर दूर है, माइल्स दूर है, और मोल्टन कॉपर से बना हुआ है। और ये रॉयल विजर्ड कहते हैं कि भाई वो 150,000 miles अवे है, और वो किस चीज़ से बना हुआ है, ग्रीन चीज़ से बना हुआ है, एंड ट्वाइस एज बिग एज अ पैलेस, पैलेस से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, 2 गुना बड़ा नहीं हो सकता, उससे भी कई गुना बड़ा हो सकता है, पर उनको पता नहीं था तो उन्होंने इस तरह से वर्णन किया। द किंग वॉज वेरी एंग्री एंड समोन द रॉयल मैजिशियन, समोन यानी बुलावा। ठीक है, उसको रॉयल मैथमेटिशियन को बुलाने के लिए बोला है। द रॉयल मैथमेटिशियन वॉज बाल्ड हेडेड, ठीक है, उसका सर में बाल नहीं थे, वो बाल्ड था, टकला था। नियर साइटेड मैन, नियर साइटेड का मतलब क्या होता है, नियर की जो चीज़ है, पास की जो चीज़ है वो आपको दिखते हैं, दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखेंगे। तो ऐसे ही अब मैथमेटिशियन को जो है वो मून दिखता ही नहीं होगा शायद, है ना, बिकॉज ही वॉज नियर साइटेड। अब वो क्या कहते हैं, विथ अ स्कल कैप ऑन हिज हेड एंड अ पेंसिल बिहाइंड हिज ईच ईयर, दोनों ईयर में एक एक पेंसिल वो रखा हुआ रहता था। ही वोर अ ब्लैक सूट विथ वाइट नंबर्स ऑन इट, ही वोर अ ब्लैक सूट विथ वाइट नंबर्स ऑन इट, वाइट नंबर्स होते और ब्लैक सूट के ऊपर इस तरह के कपड़े वो पहने हुआ था। आई डोंट वॉन्ट टू हियर अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स यू हैव फिगर आउट फॉर मी सिंस 1907, द किंग सेट टू हिम। किंग ने क्या कहा, सिर्फ साफ साफ कह दिया, सब लोग आके यही कह रहे थे ना कि हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, अब मुझे ये लॉन्ग लिस्ट मुझे मत बताओ कि आपने क्या क्या मुझे दिया है, पर मेरा एक ही काम करना है आपको, जो है वो काम है जो क्या था, मून को लेके आके मुझे देना है। द मून इज 300 miles away, 300,000 miles अवे, सेड द रॉयल मैथमेटिशियन, इट इज़ राउंड एंड फ्लैट लाइक अ कॉइन। ओके, ओनली इट इज़ मेड ऑफ एस्बेस्टोस, वो तीसरा मैथमेटिशियन कहता है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, एस्बेस्टोस से बना हुआ है, इट इज़ हाफ द साइज ऑफ दिस किंगडम, ये जो किंगडम है उसका आधे साइज का है। ऑल्सो इट इज़ पेस्टेड इन द स्काई, नोबडी कैन गेट द मून, और मैथमेटिशियन क्या कहता है, उसको चिपकाया हुआ है कहाँ पे, स्काई में चिपकाया हुआ है, तो कोई उसको लेके नहीं आ सकता। द किंग वॉज वेरी एंग्री, ही गॉट वेरी एंग्री। अब सब लोग आ रहे थे, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कह रहे थे और बोल रहे थे कि भाई हम नहीं लेके आ सकते हैं। देन ही रैंक फॉर द कोर्ट जस्टर को, फिर लास्ट में राजा ने कहा कि भाई कोर्ट के जो जस्टर हैं उनको बुला के लेके आ जाओ, जस्टर यानी क्लाउन, ए जोकर। द जस्टर केम बाउंडिंग इन टू द थ्रोन रूम। ओके, वॉट कैन आई डू फॉर यू योर मैजेस्टी, आज द कोर्ट जस्टर। ठीक है, जैसे ही बुलावा दिया गया कोर्ट जस्टर को, वो बाउंसिंग बाउंडिंग बाउंडिंग करते हुए, ठीक है, उछलते कूदते वो आ गया कोर्ट थ्रोन रूम में, और राजा से पूछा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू माय मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आज द कोर्ट जस्टर, नोबडी कैन डू एनीथिंग फॉर मी, सेड द किंग मॉर्नफुली, प्रिंसेस लेनो वॉन्ट्स द मून एंड शी कैनॉट बी वेल टिल शी गेट्स इट, बट नोबडी कैन गेट इट फॉर हर, एवरी टाइम आई आस्क एनीबडी फॉर द रूम, एनीबडी फॉर द मून, इट गेट्स लार्जर एंड फादर अवे। ठीक है, जब भी प्रिंसेस लेनोर जो है उनको मून चाहिए, और कोई भी मुझे है ना रूम मून लेके आके नहीं दे सकता है, नोबडी कैन गेट इट फॉर मी, एवरी टाइम आई आस्क फॉर एनीबडी,
ठीक है, एवरी टाइम आई आस्क एनी बडी फॉर द मून, किसी से भी मैं पूछता हूँ तो वो बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत दूर भी चला जाता है। ठीक है, तीनों ने इसी तरह से बोला, पहले लॉर्ड चैम्बरलिन, फिर रॉयल विजर्ड, फिर रॉयल मैथमेटिशियन। तीनों ने, पहले ने कहा था 35,000 किलोमीटर है, दूसरे ने कहा था 150,000 किलो माइल्स है, और तीसरे ने कहा था 300,000 माइल्स दूर है, इस तरह से उसने बोला था। Nobody can do anything for me, said the king mournfully. Mournfully, यानी बहुत ही उदास होकर उनने कहा, Princess Leno wants the moon and she cannot be well till she gets it, but nobody can get it for me. Every time I ask anybody for the moon, it gets larger and farther away. Okay, there is nothing you can do for me except play on your lute. ठीक है, there is nothing you can do for me. तुम है ना कुछ मेरे लिए कर नहीं सकते हो एक्सेप्ट प्ले ऑन योर ल्यूट। ल्यूट यानी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर प्ले करने के अलावा तुम मुझे कुछ नहीं लेके आ सकते हो। समथिंग सैड द कोर्ट जेस्टर प्लेड ऑन इज लूट फॉर अ लिटिल व्हाइल, थोड़ी देर के लिए उसने लूट के ऊपर म्यूजिक बजाया। ओके, दे ऑल आर वाइस मैन ही सेड, एंड सो दे मस्ट ऑल बी राइट, बट आई विल गो टू हर योर मैजेस्टी, से द कोर्ट जेस्टर, पर फिर भी जो है मैं प्रिंसेस के पास जाऊँगा और फिर देखूँगा क्या हो सकता है। प्रिंसेस लेनो वॉज ग्लैड टू सी द कोर्ट जेस्टर, बट हर फेस वॉज वेरी पेल एंड हर वॉइस वेरी वीक। ठीक है, हैव यू ब्रॉट द मून फॉर मी, शी आस्क्ड एकदम स्ट्रेट अवे। ठीक है, लेनोर, प्रिंसेस लेनोर जो थे वो बहुत ही खुश थे कि भाई जेस्टर आ गया, पर शी वॉज, क्योंकि वो बीमार थी तो वो फेस वॉज वेरी पेल एंड वॉइस वॉज वेरी वीक, उनकी आवाज़ जो थी वो वीक थी, एंड वॉइस वॉज वेरी शी हर स्किन वॉज वेरी पेल। हैव यू ब्रॉट द मून फॉर मी, मून टू मी, आस्ट शी आस्ट, नॉट येट, से द कोर्ट जेस्टर। ठीक है, अब वो सवाल करती हैं जेस्टर से कि भाई आपने क्या मुझे मेरे लिए मेरा मून लेके आए हो, तो जेस्टर कहता है नहीं अभी नहीं। देखिए, नॉट येट, से द कोर्ट जेस्टर, बट आई विल गेट इट फॉर यू राइट अवे, मतलब तुरंत मैं आपको लेके आके देने वाला हूँ। हाउ बिग डू यू थिंक इट इज़, ठीक है, वो पूछता है कि आपको बताओ कि वो कितना बड़ा है। इट इज़ लिटल स्मॉलर देन माई थम नेल, थम नेल का मतलब क्या होता है, आप थम का जो नील होता है उससे थोड़ा सा छोटा है, वो कहता है। शी सेड, फॉर वेन आई होल्ड माई थम नेल अप एट द मून, मेरा थम नेल जब है ना ऊपर करके मैं देखती हूँ मून को, तब वो मेरा थम नेल से थोड़ा जरा सा जो है वो छोटा दिखता है। ठीक है, इट कवर्स इट, पूरा कवर कर लेता है, मेरा थम नेल पूरा कवर कर लेता है मून को। एंड हाउ फार अवे इज इट, कितना दूर है वो, आज द कोर्ट जेस्टर, इट इज़ नॉट एज हाई एज अ बिग ट्री आउटसाइड माई विंडो। ओके, इट इज़ नॉट एज हाई एज द बिग ट्री, यानी मेरे जो बिग ट्री है मेरे रूम के आगे, विंडो के आगे, वो उतना हाई है। ठीक है, फॉर समटाइम्स इट गेट्स कॉट ऑन द टॉप ब्रांचेस, कई कई बार क्या होता है कि वो टॉप ब्रांचेस जो है वो स्किन वो पेड़ का उसमें मतलब क्या होता है, कॉट, कॉट यानी तो गेट्स कॉट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पकड़ा जाना, पेड़ के ऊपर जो है वो वहाँ पे पकड़ा जाता है कई बार। ओके ओके, तो इट विल बी वेरी ईजी टू गेट द मून फॉर यू, सेड द कोर्ट जेस्टर। कोर्ट जेस्टर ने कहा कि भाई बहुत आसान है आपके लिए जो है मून लेके आके देना। आई विल क्लाइम द ट्री टू नाइट वेन इट गेट्स कॉट ऑन द टॉप ब्रांचेस एंड ब्रिंग इट टू यू। ठीक है, वो जब है ना वहाँ पे पकड़ा जाएगा ना, तब मैं ट्री को जो है वो क्लाइम करेंगे, चढ़ेंगे और उसको आपके लिए मैं लेके आ जाऊँगा। देन ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स, What is the moon made of, princess? He asked. Moon है ना किस चीज़ से बना हुआ है कि आपको पता है? Oh, she said, it's made of gold, of course, silly. ठीक है, वो she said, it's made of gold. वो gold से बना हुआ है, of course. ठीक है, silly मतलब वो उसको कहती है कि भाई तुम थोड़ा सा पागल हो, तुमको इतना ही भी नहीं पता। silly इसको कहते हैं कि भाई अगर आप बेवकूफ़ हो, उसको हम कहते हैं silly.
ठीक है, इतना इतना भी नहीं पता, वो है ना गोल्ड से बना हुआ है, इस तरह से वो प्रिंसेस कहती है। द कोर्ट जेस्टर लेफ्ट प्रिंसेस लेनोर्स रूम एंड वॉन्ट टू सी द रॉयल गोल्ड स्मिथ टू मेक अ टाइनी राउंड गोल्ड मून जस्ट अ लिटल स्मॉलर इन द थंबनेल ऑफ प्रिंसेस लेनोर। ठीक है, द रॉयल जेस्टर जो है वो वहाँ से प्रिंसेस लेनोर का रूम से वो जाता है, किसके पास जाता है, रॉयल गोल्ड स्मिथ के पास जाता है, टू मेक ए टाइनी राउंड गोल्डन मून राउंड राउंड गोल्डन मून जो है बनाने के लिए वो जाता है, जस्ट अ लिटल स्मॉलर इन द थंबनेल ऑफ प्रिंसेस लेनोर। प्रिंसेस लेनोर का थंबनेल से ज़रा सा छोटा, सो द प्रिंसेस कुड वेयर इट अराउंड हर नेक। ठीक है, वो अपने नेक के अराउंड वो पहन सके, उस तरह का जो है वो बनवाता है। ओके, सो द प्रिंसेस कुड वेयर इट अराउंड द नेक। वॉट इज दिस थिंग आई हैव मेड, आज द रॉयल गोल्ड स्मिथ वेन ही वॉज फिनिश्ड विथ इट। ठीक है, वो गोल्ड स्मिथ है ना, वो पूछता है लेनो ये जेस्टर से कि भाई ये जो चीज़ मैंने बनाया है वो क्या है। यू हैव मेड द मून। ठीक है, वो कहता है कि तुमने मून को बनाया है। सेड द कोर्ट जेस्टर, बट द मून, सेड द रॉयल गोल्ड स्मिथ, इज 500,000 miles अवे एंड इज़ मेड ऑफ ब्रोंज। अभी तीसरा एक आता है, आई फॉरगॉट, यहाँ पे सिक्स नहीं, सात होते हैं कैरेक्टर्स। एक है रॉयल गोल्ड स्मिथ, रॉयल गोल्ड स्मिथ भी होता है, और ये कहता है कि भाई वो कितना दूर है, 500,000 miles दूर है, और वो किससे बना हुआ है, ब्रोंज से बना हुआ है। ओके, एंड इट इज़ राउंड लाइक ए मार्बल, मार्बल की तरह वो राउंड है, इस तरह से वो कहता है। दैट्स वॉट यू थिंक, सेड द कोर्ट जेस्टर एज ही वेंट अवे विद द मून, मून लेके वो चला गया। ठीक है, द कोर्ट जेस्टर टूक द मून टू प्रिंसेस लेनोर एंड शी वॉज ओवरजॉयड। ठीक है, वो क्या है, बहुत ही ओवरजॉयड हो जाती, बहुत ही खुश हो जाती है। द नेक्स्ट डे शी वॉज वेल अगेन एंड कुड गेट अप गो आउट इन द गार्डन टू प्ले, बट द किंग्स वरीज वेयर नॉट येट ओवर। किंग्स वरीज जो है वो अभी तक पूरे नहीं हुए थे। वो ठीक तो हो ही जाती है, पहनती है तो उसको बहुत ही खुशी होती है, और फिर अगले ही दिन जो है वो ठीक हो जाती है और एकदम बढ़िया से सब चीज़ें हो जाते हैं। पर किंग का जो टेंशन है, वरीज हैं, वो वहीं नहीं ख़त्म होते हैं। इन यूज द मून वुड शाइन द स्काई अगेन दैट नाइट एंड ही डिड नॉट वॉन्ट द प्रिंसेस लेनोर टू सी इट। ठीक है, अब जो है उसको पता है कि भाई ये मून तो फिर से आने वाला है आसमान पे अगले ही दिन रात को, और वो नहीं चाह रहे थे कि उनकी बेटी जो है, प्रिंसेस जो है, वो मून को देखे, और देख के फिर को ऐसा उसको ऐसा लगे कि भाई वो मून जो है अभी भी वहाँ है, जो लोगों ने मुझे दिया है वो मून नहीं है। ओके, इफ शी डिड शी वुड नो दैट द मून शी वोर ऑन चेन अराउंड हर नेक वॉज नॉट द रियल मून। अगर वो मून को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई ये मून जो है वो जो पहनी है अराउंड हर नेक वो असली नहीं है। सो द किंग सेंट टू द लॉर्ड हाई चैम्बरलिन एंड सेड, वी मस्ट कीप द प्रिंसेस फ्रॉम सीइंग द मून व्हेन इट शाइन्स इन द स्काई टू नाइट, थिंक ऑफ समथिंग। ठीक है, लॉर्ड चैम्बरलिन को फिर से बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई अभी हम जो है, हमको प्रिंसेस को जो है वो मून को हम दिखा नहीं सकते हैं, तो एक प्लान बताओ कि किस तरह से उनको रोका जा सके मून को दिखाने से। द लॉर्ड हाई चैम्बरलिन टैप्ड हिज फोरहेड एंड विथ हिज फिंगर्स थॉटफुली एंड सेड, आई नो जस्ट द थिंग, वी कैन मेक सम डार्क ग्लासेस फॉर द प्रिंसेस। दिस मेड द किंग वेरी एंग्री एंड शी वुड बी इल अगेन। द किंग कॉल द रॉयल विजर्ड। ओके, ठीक है, अब लॉर्ड चैम्बरलेन क्या कहता है, एक उपाय देता है। क्या उपाय है, वो कहता है कि उनके लिए ना डार्क ग्लासेस जो है हम बना सकते हैं ताकि वो उनको मून नहीं देख सके हैं, इस तरह से वो एक उपाय देता है। तो राजा जो होते हैं, किंग जो होते हैं, वो बहुत ही गुस्से हो जाते हैं और फिर वो रॉयल विजर्ड को बुलाते हैं। ओके, रॉयल विजर्ड हु स्टूड ऑन हिज हैंड्स एंड देन ही स्टूड ऑन हिज हेड एंड देन ही स्टूड ऑन हिज फीट अगेन। ठीक है, रॉयल विजर्ड जो है पहले वो अपने हैंड्स पे खड़ा था, उसके बाद में उसके सर के बल पे, और फिर उसके फीट के बल पे फिर से। आई न्यू
वॉट वी कैन डू ही सेड, उसने कहा क्या कि भाई मुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लेट ऑफ फायर वर्कस इन द गार्डन एवरी नाइट, ठीक है, हर रोज़ जो है हम फायर वर्कस जो है वो जला सकते हैं, वी विल मेक अ लॉट ऑफ सिल्वर फाउंटेन एंड गोल्डन कैस्केड्स, ओके, सिल्वर फाउंटेन और गोल्डन कैस्केड्स जो है हम बनाएंगे, वेन दे गो ऑफ द प्रिंसेस वुड नॉट बी एबल टू सी द मून, ठीक है, जब भी ये सारी चीज़ें वो गो ऑफ का मतलब क्या है, वो आसमान में उड़ेंगे और वो सब लाइट वगैरह दिखेगा तो मून नहीं दिखाई देगा, इस तरह का एक सुझाव था किसका, रॉयल विजर्ड का। द किंग वॉज वेरी एंग्री एंड दिस एट दिस एंड ही पुट हिज हैंड ऑन हिज फोरहेड, ठीक है, किंग जो है बहुत ही गुस्से में आ गया और अपना सर पकड़ लिया हाथ से। फायर वर्कस वुड कीप द प्रिंसेस अवेक ही सेड, फायर वर्कस जो होते हैं वो प्रिंसेस को सोने नहीं देंगे, ठीक है, वो जागती रहेंगी हमेशा। शी वुड बी इल अगेन, वो जो है फिर से बीमार पड़ जाएंगी। द कोर्ट जेस्टर स्ट्रम्ड ऑन हिज लूट, ठीक है, कोर्ट जेस्टर ने अपना लूट को जो है स्ट्रम कर दिया। ओके, व्हाट योर वाइज मैन से ही आस्क्ड, दे कैन नॉट थिंक ऑफ नो वे टू हाइड द मून दैट सेड द किंग, ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई मून को छिपाने का जो तरीका है वो एक कोई भी नहीं लेके आके दे सकता। द कोर्ट जेस्टर सेड वेरी सॉफ्टली, योर वाइज मैन नो एनीथिंग मैन एवरीथिंग एंड इफ दे कैनॉट हाइड द मून देन इट कैनॉट बी हिडन, ठीक है, वाइस मैन को जो है सब कुछ पता है, अगर वो कहते हैं कि भाई उसको हाइड नहीं कर सकते हैं तो वो हम कर भी नहीं सकते। द कोर्ट जेस्टर स्लिप्ड क्वाइटली आउट ऑफ द प्रिंसेस बेडरूम, प्रिंसेस बेडरूम में वो चला गया था, प्रिंसेस लाइंग इन द बेड, ओके, अपने बेड में वो पड़ी हुई थी, सो रही थी, बट शी वॉज वाइड अवेक एंड शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द मून शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है, वो अवेक थी, ठीक है, जगी हुई थी और अपने विंडो में से है ना मून को देख रही थी। सडनली द कोर्ट जेस्टर सेड, टेल मी प्रिंसेस, हाउ कैन द मून बी शाइनिंग इन द स्काई व्हेन इट इज हैंगिंग ऑन अ गोल्डन चेन अराउंड योर नेक, ठीक है, कोर्ट जेस्टर है ना प्रिंसेस से कहता है कि कैसा हो सकता है कि जब मून जो है आपके गले में लटक रहा है तो वहाँ आसमान में कैसे दिख रहा है। द प्रिंसेस लुक्ड एट हिम एंड लाफ्ड, प्रिंसेस ने ना उसकी तरफ देखा और हंसते रही और उसने कहा, दिस इज ईजी सिली, शी सेड, व्हेन आई लूज अ टूथ अ न्यू वन ग्रोज इन इट्स प्लेस डजंट इट, ओके, ऑफकोर्स सेड द कोर्ट जेस्टर, जब मैं एक टूथ जो है वो खोती हूँ, मतलब वो गिर जाता है, एक दांत गिर जाता है तो मेरे पे दूसरा दांत आ जाता है, ओके, एंड व्हेन द रॉयल गार्डनर कट्स द फ्लावर्स इन द गार्डन अदर फ्लावर्स केम बैक टू टेक द प्लेस, ठीक है, जब रॉयल गार्डनर जो है फ्लावर्स काटते हैं गार्डन में तो नए फ्लावर्स आ जाते हैं। आई शुड हैव कॉट दैट थॉट ऑफ दैट सेड द कोर्ट जेस्टर फॉर इट इज़ द सेम वे विद द डेलाइट, डेलाइट में भी इसी तरह से है, ठीक है, डेलाइट यानी जिस तरह से डेलाइट एक बार चला जाता है तो फिर वापस आता है, फिर चला जाता है फिर वापस आता है, इस तरह से कुछ है ना वो कह रही थी, एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि अगर कोई भी चीज़ खो जाता है फिर से दूसरा उसकी जगह पे नया चीज़ आ जाता है। एंड इट इज़ द सेम वे विद द मून सेड द प्रिंसेस लेनोर, आई गेस इट इज़ द सेम वे विद एवरीथिंग, सब चीज़ को लेके सेम चीज़ है, इस तरह से उसने कहा। हर वॉइस बिकेम वेरी लो एंड फेडेड अवे, द कोर्ट जेस्टर सॉ दैट शी वॉज अस्लीप, कोर्ट जेस्टर ने देखा कि वो सो गई थी। जेंटली ही टक द कवर्स अराउंड द स्लीपिंग प्रिंसेस, ठीक है, कवर्स जो होते हैं, बेडशीट जो होते हैं, वो टक किया स्लीपिंग प्रिंसेस के साइड में। बट बिफोर हर लेफ्ट द रूम ही वेंट ओवर टू द विंडो एंड विंक्ड एट द मून, ठीक है, बिफोर ही लेफ्ट द रूम, हर नहीं आएगा यहाँ पे ही, बट बिफोर ही लेफ्ट द रूम ही वेंट ओवर टू द विंडो एंड विंक्ड एट द मून, ठीक है, वो विंडो के पास चला गया जहाँ से वो मून की तरफ, मून को देखती थी प्रिंसेस लेनोर, वहाँ जाके उसने विंक किया, विंक करना यानी आँख मारना, ठीक है, फॉर इट सीम टू बी कोर्ट जस्टर द मून हैड विंक्ड एट हिम,
ठीक है, और एक एक पल ऐसा लग रहा था कि ये जेस्टर विंक नहीं कर रहा है, आँख नहीं मार रहा है, पर वो मून जो है वो विंक कर रही है जेस्टर को देख के, ठीक है। दैट इज़ द एंड, दिस ब्यूटिफुल प्रोज इज़ रिटन बाय जेम्स थर्बर, थर्बर, ओके, जेम्स थर्बर जो है इसका ऑथर है। ओके, मेनी मून्स, ठीक है, एक वो पहनी हुई है द प्रिंसेस ने, और एक दूसरा जो है नया मून आ गया है इन इट्स प्लेस, ठीक है। और वो ये बिलीव कर रही है कि उनके पास जो मून है वो ओरिजिनल मून है, और दूसरा जो मून आया है वो नया मून है, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस लेसन, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इन योर ग्रुप और अ पर्सनल मैसेज, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।